सर्जिकल ड्रेसिंग पार्ट टू। अब हम आगे देखते हैं कि सर्जिकल ड्रेसिंग के आगे टेक्निक्स में और कैसे। नंबर फोर, प्लास्टर्स। प्लास्टर्स आर ए काइंड ऑफ एडहेसिव बैंडेज मेड फ्रॉम ब्लीच्ड कॉटन फैब्रिक्स। एन एडहेसिव कंपाउंड इज स्प्रेड ऑन वन साइड ऑफ द बैंडेज टू मेक इट स्टिक टू द स्किन। प्लास्टर्स मे बी आइदर मेडिकेटेड और अनमेडिकेटेड। सम कॉमन प्लास्टर्स इंक्लूड द फॉलोइंग। नंबर वन, रबर एडहेसिव प्लास्टर्स। नंबर टू, जिंक ऑक्साइड प्लास्टर्स। नंबर थ्री, प्लास्टिक एडहेसिव प्लास्टर्स। नंबर फोर, प्लास्टर्स ऑफ पेरिस बैंडेजेस। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव प्लास्टर्स। ये प्रोटेक्टिव प्लास्टर्स क्या हैं? दे आर अनमेडिकेटेड प्लास्टर्स। नंबर टू, मेडिकेटेड प्लास्टर्स। ये भी दो तरह के प्लास्टर्स होते हैं, ठीक है। नंबर फाइव, स्टैंडर्ड ड्रेसिंग्स। This group of surgical dressings includes some standardized compound dressing described in the British Pharmaceutical Codex, BPC, and other official publications. The standard dressings of BPC are numbered 1 to 15. यानी कि 15 किस्म की ड्रेसिंग है जो BPC बताता है, उसके डिफरेंट स्पेसिफिकेशन है, ये हम लोग BPC में दे सकते हैं। However, for general purposes, all these surgical dressings are divided into six main categories अकॉर्डिंग टू देयर यूसेज। ये जो 15 किस्म के ड्रेसिंग है उनको सिक्स कैटेगरीज में डिवाइड किया जाए, ग्रुप में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर यूसेज। दीज कैटेगरीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सेक्शंस व्हिच इंक्लूड द मटेरियल्स हैविंग अ सिमिलर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन एज फॉलोज। अब उनको फर्दर फिर सब क्लासीफाई किया जाता है। मसलन सबसे पहले एब्जॉर्बेंट्स, इसके अंदर फैब्रिक एब्जॉर्बेंट्स हैं, फाइब्रस एब्जॉर्बेंट्स, कंबाइंड फैब्रिक एंड फाइब्रस एब्जॉर्बेंट, मेडिकेटेड एब्जॉर्बेंट्स। ये एब्जॉर्बेंट्स जो स्टैंडर्ड ड्रेसिंग है ये चार तरह की। फिर नंबर बी जो है सेकंड, वुंड ड्रेसिंग। वुंड ड्रेसिंग के अंदर भी चार तरह की ड्रेसिंग है, लाइक वुंड ड्रेसिंग पैड्स, नॉन एडहेरेंट वुंड कॉन्टैक्ट ड्रेसिंग्स, स्टैंडर्ड ड्रेसिंग्स, अदर वुंड ड्रेसिंग्स। बैंडेजेस, रिटेंशन बैंडेजेस, नॉन एडहेसिव सपोर्ट एंड कंप्रेशन बैंडेजेस, एडहेसिव सपोर्ट एंड कंप्रेशन बैंडेजेस, मेडिकेटेड बैंडेजेस। फोर्थ या डी जो है सर्जिकल एडहेसिव टेप्स, वूवन टेप्स, नॉन वूवन टेप्स, प्लास्टिक फिल्म टेप्स, नॉन स्टिच एडहेसिव सूचर्स। अब हम बात करते हैं कि मटेरियल्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स। अब सर्जिकल ड्रेसिंग की बात शुरू की है दोबारा से, उसके अंदर बात करते हैं कि जो मटेरियल्स यूज होते हैं फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स के अंदर वो क्या है। कॉटन फैब्रिक्स is the basic material for the preparation of most of the surgical dressings, although wool constitutes main material of some special bandages. कहते हैं कि cotton fabrics जो हैं वो basic material है for the most of surgical dressings, लेकिन कुछ special dressing bandages जो होती हैं उसके अंदर wool भी जो है वो main material के तौर पर इस्तेमाल होती है। cotton fabrics are woven material prepared from cotton yarn. जो कॉटन फैब्रिक्स है वो वूवन मटेरियल होता है और कॉटन यार्न से बनाते हैं। कॉटन यार्न मीन होता है रफ, जो कॉटन कपड़ा बनता है उसको कहते हैं। द थिकनेस ऑफ द यार्न एंड द टाइप ऑफ द वीव ऑफ द फैब्रिक वेरी विद द टाइप ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग मेड। सर्जिकल ड्रेसिंग के हिसाब से, उसके टाइप के हिसाब से उसकी वीव जो है वो फैब्रिक की वीव जो है वेरी करती है और उसकी थिकनेस भी वेरी करती है। द नंबर ऑफ थ्रेड्स पर इंच ऑफ द रैप, threads running lengthwise and the weft threads crossing the wrap at the right angle of the fabric also varies from the dressing to dressing. यानी कि उसने बताया पर इंच कितने threads lengthwise होते हैं और कितने crosswise weft, जिसको crosswise होते हैं वो weft होते हैं, जो lengthwise होते हैं wrap करते हैं। तो कितने threads एक इंच के अंदर wrap में है और कितने weft के अंदर है उसके ऊपर भी surgical dressing जो है vary करती है। सिलेक्शन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्जिकल ड्रेसिंग को सिलेक्ट कैसे किया जाता है? ड्रेसिंग सिलेक्शन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द एक्सुडेशन, प्रेजेंस ऑफ लाइकवुड ऑफ इन्फेक्शन, प्रेजेंस ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू एंड द ऑटोमेटिक साइट। यानी कि ड्रेसिंग सिलेक्शन डिपेंड करती है किसकी चीज के ऊपर, कितना एक्सुडेशन है, कितनी उसकी इन्फेक्शन होने के चांसेस ये प्रेजेंट है, कितने उसके अंदर नेक्रोटिक टिश्यूज हैं, कितने ऑटोलाइटिक जो है साइट है उसके अंदर ऑटोलाइसिस हो सकती है। द करेक्ट सिलेक्शन ऑफ ए वुंड ड्रेसिंग डिपेंड्स नॉट ओनली द टाइप्स ऑफ वुंड्स बट आल्सो ऑन द स्टेज ऑफ रिपेयर। यानी कि जो
ड्रेसिंग सिलेक्शन है वो वुंड के टाइप के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसके अलावा वुंड की जो स्टेज है रिपेयर उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। द यूज ऑफ वुंड ड्रेसिंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन आइसोलेशन बट रादर इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड वुंड केयर प्रोग्राम। ये नहीं है कि अलग की भी आप इसको ड्रेसिंग सेलेक्ट करते हैं, वुंड केयर जो इंटीग्रेट प्रोग्राम है जो सर्जन जो है या जो इमरजेंसी रूम में होते हैं उनको ज़्यादा सिखाया जाता है, जैसे इमरजेंसी डॉक्टर्स होते हैं जो सर्जिकल इमरजेंसीज को ट्रीट कर रहे होते हैं या जो सर्जिकल वार्ड्स के अंदर होते हैं कि किस वुंड किस टाइप के वुंड के लिए कौन सी ड्रेसिंग सेलेक्ट करनी है उसके मुताबिक प्रोग्राम के मुताबिक होती है। द क्वालिटी ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द फाइबर यूज टू प्रिपेयर द ड्रेसिंग। क्वालिटी जो उसकी सर्जिकल ड्रेसिंग की वो उसकी फैब्रिक के ऊपर फाइबर्स के ऊपर डिपेंड करती है जो उस पर ड्रेसिंग प्रेपरेशन के अंदर यूज होते हैं। सिंस द फार्मासिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग एंड डिस्पेंसिंग मोस्ट ऑफ मेडिकेटेड एड्स इंक्लूडिंग सर्जिकल ड्रेसिंग दे शुड पोजेस ए गुड नॉलेज ऑफ द सूटेबल फाइबर्स एंड द सर्जिकल ड्रेसिंग मेड फ्रॉम देम। फार्मासिस्ट एज ए फार्मासिस्ट जो है हम लोग उसको हैंडल भी करते हैं और डिस्पेंस भी करते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग को और मेडिकल एड्स जितने भी है जिसके अंदर सर्जिकल ड्रेसिंग भी है। सो वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ द सूटेबल फाइबर जो सूटेबल फाइबर फॉर्म्स हैं जो ड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं और किस मटेरियल से बनी होती है, इसलिए हमें आगे इनको पढ़ना जरूरी है। यूजेज ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग। अप्लाइंग ए ड्रेसिंग इज ए फर्स्ट एड स्किल। ड्रेसिंग को जो अप्लाई करना वुंड के ऊपर वो फर्स्ट एड स्किल है। ऑल्दो मेनी पीपल अंडरटेक द प्रैक्टिस विद नो ट्रेनिंग, मोस्टली हमारे यहाँ विदाउट ट्रेनिंग हम लोग ये सर्जिकल ड्रेसिंग कर रहे होते हैं स्पेशली ऑन माइनर वुंड्स और स्पेशली इसके ऊपर छोटे जख्मों के ऊपर। मॉडर्न ड्रेसिंग विल ऑलमोस्ट ऑल कम इन ए प्री पैकेज स्टेराइल रैपिंग डेट कोडेड टू इंश्योर स्टेरिलिटी। जो मॉडर्न जो ड्रेसिंग है वो सारी प्री पैक्ड स्टेरलाइज्ड रैपिंग के अंदर आती है और उसके ऊपर ज़्यादा डेट कोडेड होती है और इंश्योर करती है कि ये कब तक स्टेराइल रहेगी। दिस इज बिकॉज इट विल कम इन टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वुंड एंड स्टेरिलिटी इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द प्रोटेक्शन फ्रॉम इंफेक्शन एम ऑफ ड्रेसिंग। ये जो ऊपर स्टेरिलिटी इंश्योर कोडेड होती है डेट इसलिए होती है कि सर्जिकल ड्रेसिंग ने ट्रैक वुंड के साथ कॉन्टैक्ट करना होता है और उसकी स्टेरिलिटी जो है वो वुंड प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हिस्टोरिकली एंड स्टिल द केस इन मैनी लेस डेवलप एरियाज एंड इन एन एमरजेंसी ड्रेसिंग आर ऑफन इम्प्रोवाइज एज नीडेड। यानी कि ड्रेसिंग की जो ड्रेसिंग है वो इम्प्रोवाइज की जाती है अकॉर्डिंग टू द एमरजेंसी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द वुंड। दिस कैन कंसिडर एनी थिंग include clothing or spare material which will fulfill some of the basic tenets of the dressing. Even ek aam fabric aam kapda bhi dressing ki ek spare material jo hai wo dressing ki basic need fulfill karta hai lekin jo modern area hai uske andar sterilized dressing chahiye. Usually stemming bleeding and absorbing exudate process. Dressing ka purpose kya hota hai के ब्लीडिंग को स्टॉप करें और जो एक्सुडेट्स बन रहा है जो पस बन रही है उसको अब्सॉर्ब करें। अप्लाइंग एंड चेंजिंग ड्रेसिंग इज वन कॉमन कॉज इन नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर ड्रेसिंग को अप्लाई करना और उसको चेंज करना ये कॉमन टास्क है और उनको सिखाया जाता है कि ड्रेसिंग कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर फॉर दिस पार्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में अगले पार्ट के साथ हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।